आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नरेश यादव द्वारा कुरान के अपमान पर नरेश यादव के बर्खास्त की मांग की। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी नेता अरविंद लवली, माइनॉरिटी मोर्चा से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश में सभी मजहब के लोग रहते हैं और सब अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने कुरान शरीफ की बेइज्जती की है। वहीं इस बारे में उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के मलेर कोटला कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। कुरान की बेअदबी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आज दिल्ली का मुसलमान सड़कों पर इसलिए उतरा है कि वो अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है कि ऐसे विधायकों को जो कुरान की बेअदबी करते हैं, क्यों आप उन्हें पालने का काम करें, क्यों उन्हें पार्टी से नहीं निकालते, क्यों उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं करते, ये सवाल पूछने अरविंद केजरीवाल के यहाँ आए। लेकिन जिस तरीके से आम केजरीवाल कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठा रहे हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को खराब करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक संगठित अपराध चलाते हैं, गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली को लूटने का काम करते हैं और उन्हें पालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल रोज शाम को घूमते हैं, जन्म की गाड़ी में जाके देख लीजिए साथ में कौन बैठा है, अपराधी को साथ लेके घूमते हैं, विभव कुमार जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, जो खुद अपराधी को साथ लेके घूम रहा है, अपराधियों को पाल रहा है, वो कानून और सुरक्षा की बात क्यों करता है? शर्मनाक घटना, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि 2 साल पुरानी ये घटना, आप कोर्ट ने सजा सुनाई है, कोर्ट की सजा सुनाने के बाद भी एक शब्द आम आदमी पार्टी के पास कहने को नहीं है, एक शब्द भी अरविंद केजरीवाल के पास कहने को नहीं, और कोई उनका कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नजदीकी विधायक है जो उनकी गाड़ी में बैठ के घूमता है, तो इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं मूक समर्थन है इसके लिए। और प्रश्न खाली केजरीवाल से नहीं है, प्रश्न राहुल गांधी से भी है, ममता बनर्जी से भी है, फारूक अब्दुल्ला से भी है। क्या वो ऐसी सरकार को, ऐसे पार्टी को अपने गठबंधन का हिस्सा बना के रखना चाहते हैं या ऐसी पार्टी को अपने अलायंस का पार्टनर बना के रखना चाहते हैं जिसके पास अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोगों का जो है वो विरोध करने के बजाय समर्थन कर रहे हैं, आज भी एक शब्द नहीं बोल रहे। अब इसी घटना को आप पंजाब के साथ जोड़ के देखिए, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान हुआ, अकाली दल की गवर्नमेंट थी, तमाम सिखों ने अकाली दल का बायकॉट कर दिया, आज अकाली दल के अध्यक्ष जो है वो अकाल तख्त के सामने बैठ के सजा काट रहे हैं, और उनका कसूर ये था कि उनकी सरकार गुरु ग्रंथ साहब जी की रक्षा के लिए सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही थी। इनका तो अपना MLA इन्वॉल्व है, उसके बाद ये एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं तो तमाम अकलियत के लोगों को कहना चाहूँगा, इनका इस्तेमाल ये केवल और केवल वोटों के लिए करना चाहते हैं कि इस पार्टी का केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में बहिष्कार करना चाहिए और उन अलायंस पार्टनर्स का भी करना चाहिए जो इनके विरोध में खुल के नहीं आते थे। हम कह रहे हैं इनका असली चेहरा उजागर हो गया, ये करप्शन दूर करने की बात करके आए थे, आज घोटालों का सबसे बड़ा लाल केजरीवाल बन गया, ये जन लोकपाल की बात करके आए थे, दिल्ली में तो चलो बहाना लगा देते हैं कि हमारे पास पूरे अधिकार नहीं है, पंजाब में किसने इनके अधिकार रोके हैं, वहाँ क्यों नहीं जन लोकपाल लागू किया, शराब की दुकानें कम करने की बात करके आए थे और शराब की घोटाले में जो है जेल के अंदर गए, इनके MLA जो है वो गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं, तो किसी चीज़ में तो ठीक हो। तो अब समय आ गया है कि दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि आगे आने वाले 5 सालों में भी क्या केवल वो बहाने सुनना चाहते हैं कि मुझे LG काम नहीं करने दिया जाता, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं काम करने दे रही, या वो एक ऐसी सशक्त सरकार चाहते हैं जो सरकार दिल्ली के अंदर बहाने ना लगाए, विकास करे। नेशन मिरर के लिए दिल्ली से शिवम पांडे की रिपोर्ट।